क्या आपने कभी खुद को कोई लेटर लिखा है? हम अक्सर फिल्मों में देखते आए हैं कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे लेटर भेजते हैं। पुराने ज़माने में कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था लेटर देने में। और सबसे फेमस फिल्म है मैंने प्यार किया, हम सब ने देखी है। उसका फेमस गाना कबूतर जा जा जा, ये गाना तो आप सबने सुना होगा। इस फिल्म में क्या बताया गया है कि जब आप किसी पर्सन से प्यार करते हो तो उससे डायरेक्टली कैसे बात करते थे पहले? अब तो आ गया है फ़ोन, ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड एट्सेट्रा, ढेर सारी चीज़ें। लेकिन पहले के ज़माने में इस्तेमाल होता था लेटर। आप बसों से लेटर्स को यूज़ करते आए हैं। इस लेटर का फ़ायदा अब आपको उठाना है, क्योंकि आपको ये लेटर अपने आप को भेजना है। आपको ये लेटर अपने लिए लिखना है कि आप खुद से कितना प्यार करते हो। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस साइड योर होस्ट आस्था, जो कि है एक टैरो कार्ड रीडर प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। सो गाइस, आज चल रही है सेल्फ लव डेवलपमेंट सीरीज़, जो कि काफ़ी लेवल अप होके मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आज बेसिकली डे 6 है, काफ़ी नज़दीक आ गए हैं अपन इस सीरीज़ को ख़त्म करने के लिए। और थैंक यू सो मच, आप में से बहुत से लोगों का जो प्यार है वो मुझे इंस्टा में भर भर के आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो बेसिकली आज की सीरीज़ से आप थोड़ा सा तो समझ गए होंगे कि आज आपके क्या फ़न एक्टिविटी मैं लेके आई हूँ। लेकिन आप में से बहुत से लोगों के मन में सवाल होंगे कि आस्था दी सिर्फ ज़्यादातर फोकस स्क्रिप्टिंग टेक्निक में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गाइस और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक आप लोग लिखोगे नहीं, जब तक चीज़ें आप लोग अपने हाथ से लिखोगे नहीं, उन चीज़ों का वाइब्रेशन आपके अंदर फील नहीं होगा, उन चीज़ों की एनर्जी आप महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी बारी आती है किसी भी टेक्निक को या मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, सबसे ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम करता है आपकी पेन और कॉपी। तो शुरू कर दीजिए आज से, अभी से सेल्फ लव सीरीज़। मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना के ऐड कर दूंगी, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के सेल्फ लव सीरीज़ वीडियो की लिंक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। सो मेक श्योर आप जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट करते जाना, आपके कई सवालों के जवाब मेरे हर वीडियोज़ में होते हैं। सो वीडियोज़ को एंड तक ज़रूर सुनना। सो सबसे पहले आज का आपका पहला टास्क है जो आपको करना है, वो है अपने आप को एक सुंदर लेटर लिखना। आप जो भी इस टाइम अभी फील कर रहे हो, आप जो भी इस टाइम जिस भी सिचुएशन पे हो, आप अपने आप को लेटर लिखो। एक पेज का लिखो, 4 लाइन का लिखो, 5 पेज का लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने आप को आज आपको एक लेटर लिखना है। डियर आस्था, आपका जो भी नाम हो, डियर एक्स वाई जेड, डियर ए बी सी डी, इस तरीके से हेडिंग डालो और एक लेटर लिख दो। आप चाहो तो इसे कॉपी में भी लिख सकते हो या फिर अपने फ़ोन के नोटपैड में भी लिख सकते हो। एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन आजकल हर किसी के पास है। सो किसी के पास ये चीज़ नहीं है कि मेरे फ़ोन में नोटपैड नहीं है, मैं कैसे लिखूं? ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है जो कॉपी में नहीं लिख सकते। अदरवाइज़ जिसके पास ऑप्शन है कॉपी और पेन में लिखने का, वो कॉपी और पेन में ही लिखें। और आपको पता है लिखने के बाद क्या करना है? मुझे इंस्टा में DM करना है और ये चीज़ मुझे शो करनी है कि दी मैंने एक्टिविटी डन कर ली है। क्योंकि आफ्टर 10 डेज़ जो पूरी एक्टिविटी डन करेगा उसको मिलने वाला है मेरी तरफ से एक बहुत ही क्यूट सा गिव अवे गिफ्ट। सो बेसिकली ये सिर्फ एक सिंगल पर्सन को मिलेगा, सिर्फ एक सिंगल पर्सन को। सो अगर आप इस सीरीज़ में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बेशक पार्ट ले सकते हो। आपको 6 दिन की लगातार 10 दिन की एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है। सो अब बात करते हैं आपको लेटर लिखना कैसे। डियर आस्था, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायरी की हेडिंग में आप किसी भी पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लैक, ब्लू, पिंक एट्सेट्रा, आपका जो भी फेवरेट कलर हो उस कलर का पेन आप ले लीजिए। सबसे पहले हेडिंग में डालना है डियर, अपना नाम, उसके बाद लेटर लिखना स्टार्ट कर देना है। थैंक यू सो मच, तुम इतनी साल की हो, तुमने इतनी सारी चीज़ें फेस करी, अभी तुम अपनी लाइफ में ये सिचुएशन फेस कर रही हो, आई एम सो हैप्पी कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, काफ़ी ऑनेस्ट हो गए हो, काफ़ी लॉयल हो गई हो। अपने आप को आप किस तरीके से लेटर लिखना चाहते हो, ऐसा लेटर लिखो कि आप अपने आप को प्यार करते हो और ये लेटर आप अपने आप को सेंड करने वाले हो। जब हम किसी पर्सन से प्यार करते हैं तो सिर्फ उसकी खूबियाँ लिखते हैं, उसे कितना मिस करते हैं, उससे कब से बात नहीं हुई, उसे कब से देखा नहीं, ये तमाम चीज़ें एक लेटर में ऐड होती हैं। सो सेम इसी तरीके से आपको लेटर ऐसे लिखना है जैसे कि आप अपने आप को ये लेटर सेंड करने वाले हो। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लेटर लिखो, डेकोरेट करके लिखो, जैसे लिखना है वैसे लिखो, लेकिन आज की एक्टिविटी में लेटर लिखना बहुत ज़रूरी है। याद रहे इसमें सबसे ज़्यादा मायने रखती है आपकी फीलिंग, पूरी फीलिंग के साथ सोचो समझो मुझे क्या लिखना है अपने बारे में,
और आराम से रात को सोने से पहले इस लेटर को लिख दो, या फिर अगर वीडियो आपको अभी ख्याल आ रहा है आपको अपने बारे में क्या लिखना है तो आप वीडियो सुनने के बाद जस्ट लेटर स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस एक्टिविटी में पार्ट लेना है और मेरे गिव अवे का पार्ट बनना है तो मुझे इंस्टा में आपने जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज तक सेंड करें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू एंजॉय दिस सीरीज़, थैंक यू सो मच।